नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास हितोपदेश की कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। हिरण्यक जो मूषक राज है, मंथर नाम के कछुए को आप बीती सुना रहा है। ये एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, जब वो अपनी कहानी कहना शुरू करता है तो वो इस तरीके से खोता चला जाता है कि कल्पना के विश्व में वो जिस घोड़े पे सवार हो जाएगा, बस एक के बाद एक स्टेशन आते जाएंगे और बड़ी बड़ी नई नई अच्छी अच्छी चर्चाएं होती चली जाएंगी और उन्हीं चर्चाओं का हम आनंद ले रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति संतोषी हो तो सुखी होता है, लेकिन मैंने संतोष नहीं रखा, लोभ किया और पुनः धन प्राप्ति के लिए गया तो फटे हुए बांस से मुझे मारा गया। अब जो व्यक्ति संतोषी होगा वो क्या क्या करेगा, इसकी चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले कहते हैं, असीवितेश्वर द्वारम अदृष्टम विरह व्यथाम अनुक्त क्लीब वचनम धन्यम कश्यापि जीवनम। भैया, वो व्यक्ति इस संसार में धन्य है जिसने किसी श्रेष्ठी धनवान स्वामी के दरवाजे पे जाकर उसकी सेवा ना की हो, यानी किसी के सामने जिसको कभी हाथ जोड़ने का और उसकी आज्ञा का पालन करने का अवसर ना आया हो, जिसके ऊपर कभी किसी का कोई दबाव ना रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में धन्य है। और कहते हैं, जिसने अपने जीवन में कभी विरह की व्यथा ना उठाई हो वो व्यक्ति धन्य है। कि भाई, वास्तविकता मैं इसके साथ सहमत नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि श्रृंगार के दो पक्ष हमेशा रहते हैं, संयोग और वियोग। वियोग के बाद संयोग जो है वो अत्यंत आनंददायक होता है, लेकिन आप सिर्फ संयोग 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 तो स्थिति कैसी आ जाएगी, जैसे मीठा खा खा के व्यक्ति अवसीट जाए और फिर उसको जबरदस्ती नमकीन खाने का मन हो, वो स्थिति होती है। तो संयोग के बाद वियोग और वियोग के बाद पुनः संयोग की जो स्थिति होती है वो अधिक आनंददायक होती है। यहां कवि ये कह रहा है कि वो धन्य है जिसको अपने जीवन में कभी विरह की व्यथा ना उठानी पड़ी हो। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लें तो ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो जाएगी और उसके साथ सहमत हो जाएंगे। विरह अलग चीज है और विरह व्यथा अलग चीज है। आपको पता है कि पत्नी एक सप्ताह के लिए अपने मायके गई है, सप्ताह बाद आ जाएगी, तो आप कितना प्रेम करते हैं इसके आधार पे तय होगा कि आप सिर्फ विरह में हैं या आपकी विरह व्यथा बन गई है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई थी और उनकी विरह जब व्यथा बन गई तो वो तो दौड़ के पीछे पहुंच गए। तो धन्य है वो व्यक्ति जिसको अपने जीवन में विरह की व्यथा ना उठानी पड़ी हो, अनुक्त क्लीब वचनम, और जिसको कभी किसी के सामने हाथ जोड़ के दीनता के साथ कुछ कहना ना पड़ा, यानी ऐसा शायद ही कोई होगा, और जो होगा उसको कवि कहता है धन्यम जीवनम, उसका जीवन धन्य है जिसको अपने जीवन में कभी किसी की सेवा करने के लिए उसके द्वार पर खड़ा ना रहना पड़ा हो, कभी विरह की व्यथा ना उठानी पड़ी हो, या किसी के सामने दीनहीन वचन बोल के अनुनय विनय करने का नंबर ना आया हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में धन्य है। यानी हिरण्य कह रहा कि मैं तो ऐसा धन्य नहीं हूं। नयोजन शतम दूरम वाह्य मानस्य तृष्णया संतुष्टस्य कर प्राप्ति अपि अर्थे भवति नादरः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिनको तृष्णा होती है और जे तृष्णा के चक्कर में घूमते हैं ना, उनके लिए 100 योजन भी ये कोई दूरी ही नहीं होती है। देखो, लोगों पैसे के लिए
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अरे कहां कहां, जर्मनी लोग, रशिया लोग भगे फिरते हैं। किस लिए? धनोपार्जन के लिए। आप विचार कीजिएगा कभी कितना दूर सब कुछ है। कोरोना काल में तो बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियां हमने लोगों की देखी, जिनके संतान दूर हैं, कुछ तो माता पिता कोरोना में चले गए और उनको कंधा देने के लिए भी उनके पुत्र ना आ सके। चलिए वो एक अलग विषय है, यहां बात चल रही है जो लोग तृष्णा में डूबे होते हैं, उन्हें 100 योजन भी दौड़ना हो तो वो दौड़ उनको जो है भारी नहीं लगती, उनको बड़ा सरल लगता है। अरे अभी ये करके अभी ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यानी उनको दौड़ते दौड़ते थकान नहीं लगती है, चाहे जितना दौड़ना पड़े वो दौड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और जो संतोषी होता है ना, उसके हाथ में भी धन आया हो तो ये कहता है कि अभी नहीं, ठीक है अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूं, इस धन को रख दो, मैं बाद में इसको देख लूंगा। एक व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो रही हो तो 100 योजन दौड़ के चला जाता है जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो संतोषी है उसके हाथ पे ले जाके आप धन रखोगे ना तो भी अगर वो भगवान की माला कर रहा है तो कहेगा ठीक है रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। किसी अन्य काम में लगा हुआ है तो भी कहेगा कि आप रख दो, ठीक है मैं अपना काम करने के बाद उसको देख लूंगा। वो ये भी नहीं संज्ञान लेगा कि मुझे एक बार ये नोट गिन तो लेने चाहिए, कम ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि जब उसको संतोष है तो उसको ये लगता है कि हर व्यक्ति अच्छा ही है। तद अत्रावस्थोचित कार्य परिच्छेदा श्रेया, इन चीजों के आधार पे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि स्थिति देखो, परिस्थिति देखो, आजकल की भाषा में कहो तो तेल देखो, तेल की धार देखो, और फिर जो योग्य निर्णय हो वो योग्य निर्णय लेकर के जो कल्याणकारी है वो कार्य करना चाहिए। यानी संतोष आप अगर नहीं रख सकते हो तो तृष्णा में भी कोई लाभ नहीं। संतोष रखने में सुख है तो संतोषी हो जाओ, अगर कहीं तृष्णा से लाभ हो रहा है तो उसका विचार कर लो, नहीं तो तृष्णा में कभी भी सुख नहीं है, ये याद रखो। को धर्मो भूत दया किम सौख्यम अरोगिता जगति जंतो कह स्नेहा सद्भावा किम पांडित्यम परिच्छेदा। भाई धर्म क्या है? प्राणियों के ऊपर दया करना, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा सुख क्या है? तुमने कहा निरोगी शरीर हो, इससे बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां गुजराती में भी कहावत है, पहलू सुखते जाते नर्या, यानी अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो यह सबसे पहला सुख माना गया है। जगति जंतो हो, इस संसार में जीवों के ऊपर आप दया करते रहें तो इससे बड़ा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। स्नेह क्या है? सबके प्रति सद्भाव। भाई अगर किसी के प्रति द्वेष है तो सद्भाव आएगा ही नहीं, और सद्भाव तभी आएगा जब स्नेह आएगा, तो स्नेह क्या है? तुमने कहा सद्भाव। और पांडित्य क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, आपने ये वो सब कुछ किया हुआ है, लेकिन योग्य समय पे अगर आप योग्य निर्णय नहीं ले पाते हैं तो सारा पांडित्य बेकार है। तो किम पांडित्यम, तो कहते हैं परिच्छेदा, योग समय पे क्या सही है क्या गलत है इस चीज का आप निष्कर्ष निकाल पाएं, इसके निर्णय पे आप पहुंच पाएं, यही सबसे बड़ा पांडित्य। फिर से देखिए, प्रश्न है जवाब है, को धर्मो, धर्म क्या है? प्राणियों के ऊपर दया करना। इस संसार में जो लोग जीवित हैं उनके लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? तो निरोगी काया। स्नेह क्या है? लोगों के प्रति सद्भाव, यही स्नेह है। और पांडित्य क्या है? योग्य समय पे लिए जाने वाला योग्य निर्णय। अगर आप सही विचार करके सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, सब बेकार। और एक श्लोक में कहते, परिच्छेदो हि पांडित्यम यदापन्ना विपत्त्या अपरिच्छेद कर्तृणां
विपदा स्युपदे पदे। भैया जिसको गलत सही का निर्णय करना आता है वही पांडित्यवान है और उसके ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को समझिएगा, आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए तभी आप समझदार हैं। कौन सी शक्ति? जो योग्य समय पे योग्य निर्णय ले सकती है। बहुत सारे लोगों के कार्य सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते। दूसरों के भरोसे रहेंगे, दूसरों से पूछेंगे हम इस समय क्या करें क्या नहीं करें। भैया जब विपत्ति आती है ना तो किसी से मोबाइल पे फोन करके पूछने से उसका समाधान नहीं मिलता है। उस समय तो आपकी अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए। सामने से ट्रक आता दिखाई दिया और आपकी बुद्धि ने काम नहीं किया कि मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं या राइट की तरफ जाऊं, सीधे चले गए तो जो होना वो हो गया। और सही समय पे आपकी बुद्धि ने काम करना बंद नहीं किया, आपकी निर्णायक शक्ति ने निर्णय किया कि मुझे लेफ्ट जाना है, आप बच गए। तो ये पांडित्य है। प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि कथा आएगी, पंचतंत्र की कथाएं लेंगे तब आएगी, ये कथा भी आएगी। यानी बुद्धि व्यक्ति के पास ऐसी होनी चाहिए जो हर परिस्थिति में उसके अनुकूल उसका मार्गदर्शन कर पाए, तभी वो पंडित है। अपरिच्छेद कर्तृणाम, जो योग्य समय पे योग्य निर्णय नहीं ले पाते हैं, विपदा स्युपदे पदे, उनको तो प्रत्येक पद पे एक ना एक मुश्किल एक ना एक विपत्ति खड़ी रहती है। मैं कभी भी किसी परिस्थिति में घर से बाहर हूं, ना घर वालों को टेंशन होता ना मुझे टेंशन होता है। और ये अभी की बात नहीं है, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस दिन भी मैं घर के अंदर नहीं था और मैं रोड पे खड़ा हुआ था। कहीं कर्फ्यू लग रहा है, कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। खैर तब तो मोबाइल नहीं थे, घर वालों को जितना पता उतना ही तो पता होगा ना, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था। और ये एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं, चाहे बरसात हो रहा हो, चाहे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ हो, मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से सब करता रहता हूं और कभी मुझे कोई विघ्न नहीं परेशान करता है, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप मिलता चला जाता है। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास होता है कि कोई भी परिस्थिति हो मेरी बुद्धि मेरा साथ देना बंद नहीं करती। आगे कहते हैं त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। विदुर नीति का श्लोक है। विदुर ने धृतराष्ट्र को शिक्षा देते हुए यह कहा था कि इस दुर्योधन का परित्याग कर दो। अगर कुल का कल्याण चाहिए और व्यक्ति को लगे कि मेरे कुल के लिए एक व्यक्ति नासूर है, कलंक है, समस्या है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कुल के कल्याण के लिए एक व्यक्ति का, एक गांव के कल्याण के लिए जरूरत पड़े तो एक कुल एक परिवार का, और पूरे जनपद के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो एक ग्राम का, और अपने लिए तो भैया जरूरत पड़ जाए तो संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुल की बात तो समझ में आ गई कि घर में कोई कुलांगार जन्म ले ले या कोई बालक ऐसा हो जाए अपने संस्कारों के कारण, तो भाई उसको छोड़ देते हैं लोग, उसका परित्याग करते हैं, पेपर में दे देते कि अब इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। वैसे चाहे संबंध बना के रखेंगे लेकिन पेपर में दे देंगे, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही एक परिवार को कोई बीमारी हो गई है, एक परिवार से कोई समस्या हो गई है और उसकी वजह से अगर पूरे गांव को नुकसान हो रहा है तो भैया उस परिवार का परित्याग कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है, कोरोना जैसी हो गई हो, प्लेग हो, हैजा हो, और किसी एक गांव में वो फैल गया हो तो उस गांव के लोगों को बाहर मत जान दो, कोई उस गांव में नहीं आए, कर दो उसको कॉर्नर, उसको बिल्कुल इस तरीके से अलग कर देना चाहिए कि वो सारी चीजें सारे जनपद में ना फैल जाए।
तो आवश्यकता पड़ने पे कुल के कल्याण के लिए एक व्यक्ति का परित्याग, एक गांव के कल्याण के लिए एक परिवार का परित्याग, और अगर जनपद की रक्षा करनी हो तो एक गांव का परित्याग भी योग्य माना गया है। और जहां तक अपने कल्याण का प्रश्न है तो भैया उसके लिए तो पूरी पृथ्वी का भी परित्याग करना पड़े ना, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, कर देना चाहिए। पानीयम वा निरायासम, स्वाद अन्नम वा भयोत्तरम, विचार खलु पश्यामी तत् सुखम यत्र निर्वृत्ति। मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, आपको अनायास सुंदर एक लोटा भर के पानी मिल गया है, और दूसरी तरफ भोजन तो रखा है लेकिन ऊपर तलवार लटक रही है कि आप भोजन करो, हो सकता है आप कर लो, हो सकता है तलवार आपके ऊपर गिर जाए, क्या करना पसंद करेंगे भैया? पानी पीना पसंद करेंगे, भोजन छोड़ देंगे, या भोजन करना पसंद करेंगे? तो हिरण्य क्या कहता है, विचार खलु पश्यामि, जब मैं बराबर विचार करता हूं तो मेरी समझ में यह आता है तत् सुखम यत्र निर्वृत्ति। जहां कोई टेंशन ना हो ना, जहां किसी प्रकार की चिंता ना हो ना, उसमें सुख है। मैं एक लोटा पानी पी के आज का काम चला लूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा तो मुझे चलेगा, लेकिन तलवार के नीचे बैठ के भोजन करना वो मुझे नहीं चलेगा। ये चीज समझने वाली है। हम हर वक्त मृत्यु के साये में जीते हैं लेकिन हमने इस चीज की चिंता करना बंद कर दिया। हमने मृत्यु से कह दिया है भैया तुम्हें आना है, आने वाले हो, आओगे ही, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता हूं। बाहर का भोजन, बीमारियों को आमंत्रण, अब मैं किन किन चीजों की बात करूं? हमने पूरी जीवन शैली ही ऐसी बना दी है कि जिसमें हम प्रतिक्षण मृत्यु को आमंत्रण देते हैं। यहां ये विषय से हटके बात है लेकिन फिर भी कहने का मन हुआ, आप सबसे तो कह दिया है। यहां ये कहते हैं कि अगर दो में से एक को पसंद करना हो, एक है बिना टेंशन के खाली पानी पीने को मिलेगा, एक है मृत्यु का भय है आपको भोजन तो मिल जाएगा, तो भैया मैं भोजन करना पसंद नहीं करूंगा, मैं बस उस पानी से काम चला लूंगा। आज मुझे ये समझ में आता है कि जहां कोई टेंशन नहीं हो उसमें इति आलोच्य अहम निर्जन वनम आगता। अब ये जब सब बातों पे मैंने विचार किया तो अंत में मैं वन में आकर के रहने लग गया, क्योंकि वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पक्व फलांबु भोजनम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम। भैया इस संसार में श्रेष्ठ है कि आप वन में चले जाएं, वहां व्याघ्र हाथी ये सब लोग जहां रहते हैं ना उनके बीच में जाकर के आप बने रहे। द्रुमालयम, वृक्षों को अपना घर बना लें, वृक्ष के नीचे बस वही आपका घर है। खाने के लिए पक्व फल अंबु भोजनम, पके हुए फल और जल उसी को आप अपना भोजन बना लें। तृणानी शैया, डनलप के गद्दे छोड़ दीजिए, घास की शैया पे सो जाएं, वस्त्र रेशमी चले गए, वलकल वस्त्र धारण कर लें, ये सब चीजें आपके लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन बंधु बांधवों के बीच में धनहीन जीवन व्यतीत करना इसको कभी भी योग्य नहीं माना जा सकता। समझ लीजिए, बंधु बांधवों के बीच में धनहीन जीवन यानी प्रतिक्षण किसी ना किसी बात को लेके अपमान सहन करना, अवमानना सहन करना, ये स्थिति आएगी, यानी हर दिन हर क्षण मरना पड़ेगा। तो भैया इस मृत्यु तुल्य पीड़ा से अच्छा है कि वन में चले जाएं, ना तो व्याघ्र आपसे कहेगा पैसे लेके आए हो, ना हाथी आपसे पूछेगा,
ये लोग जहां रहते हैं उनके बीच में जहां आपके लिए भय भी हो सकता है और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वहां रहा जा सकता है, जहां आपके पास छत नहीं होगी वृक्ष के नीचे रहा जा सकता है, जहां आपके लिए आपका किचन नहीं है, रसोई का भोजन नहीं है, बड़े बड़े स्वादिष्ट पकवान नहीं है, चलेगा, फल और जल खाकर के काम चला लेंगे, जहां बिस्तर भी नहीं है चलेगा, घास की शैया पे सो जाएंगे, वस्त्र भी पहनने को नहीं बलकल वस्त्र पहन लेंगे, वो सब कुछ श्रेष्ठ है, लेकिन बंधु बांधवों के बीच में धनहीन जीवन व्यतीत करना, इससे परेशानी का और कोई सबब नहीं हो सकता है। ततो अस्मत पुण्योदयाद अनेन मित्रेण अहम स्नेह अनुवृत्त्यानुग्रहीता। वन में आकर के मैंने रहना शुरू कर दिया, अपना जीवन जी रहा था, लेकिन मेरा यह सौभाग्य उस लघुपतनक कौवे की तरफ इशारा करता है कि इनके जैसा मित्र मिल गया और मेरा जो जीवन है वो स्नेह से भर गया। यानी जीने का कोई सहारा नहीं था या जीने का कोई बहाना भी नहीं था, जी रहा था, क्योंकि आत्महत्या इससे बड़ा तो और कोई पाप ही नहीं होता। तो मैं मर तो नहीं सकता था, मैं मरे हुए जैसा ही जी रहा था, पर हमारे कुछ ऐसे पुण्य होंगे जिनके उदय होने के कारण इन मित्र के साथ मेरा स्नेह बंधन बंधा और मैं अनुग्रहित हो गया। अधुनाचा पुण्य परंपरया भवद आश्रय स्वर्ग एव मया प्राप्ता। और मेरे वो पुण्य अभी समाप्त नहीं हुए, वही पुण्यों की परंपरा मेरी कायम है, इसलिए आप जैसे इनके मित्र जो हमारे मित्र बन गए, आपके आश्रय में आकर के पहुंच गए हैं हम, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मैं स्वर्ग में आ गया, आज मैंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। तो चलो भैया, अब हिरण्य जब स्वर्ग में पहुंचे हैं तो थोड़े दिन इनको स्वर्ग में रह लेने दो, हम आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हितोपदेश चल रहा है।